कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली से एमएम आलम रोड और लिबर्टी एसोसिएशन के अहदेदारों ने मुलाकात की है। मार्केटों में ट्रैफिक, पार्किंग और साथ ही साथ भिखारियों के हवाले से मसाइल पर गुफ्तगू की गई है। कमिश्नर लाहौर की लिबर्टी और मोहलिका इलाकों में भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर डिवीजन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें एमएम आलम रोड व लिबर्टी एसोसिएशन के अहम अहदेदारों ने मुलाकात की है। पीएचए और एलडीए की टेक्निकल टीमें ट्रेडर्स एसोसिएशन को गाइडलाइंस देंगी, जबकि कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि अब नई कमर्शियल बिल्डिंग एनओसी लेकर रूफ टॉप प्लांटेशन व सोलर तनसीब करने के रूल्स अप्लाई करेंगी। मौजूदा बिल्डिंग्स की ग्रीन फेस लिफ्टिंग ट्रेडर्स की मर्जी के मुताबिक होंगे, जबकि पहले मरहले में एमएम आलम रोड, लिबर्टी और मेन बुलेवार की कुछ बिल्डिंग मुंतहि की जाएंगी। कमिश्नर लाहौर ने लिबर्टी पार्किंग एरिया और गुलबर्ग में भिखारी पन के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी है, जिसमें इजलास में सदर एमएम आलम रोड मोहम्मद सलीम और सदर लिबर्टी मार्केट सैयद सुमेर शाह जो है, और इसके साथ साथ एलडब्ल्यूएमसी, पीएचए, एलडी और दीगर महकमों ने शिरकत की है। कमिश्नर लाहौर ने एलडब्ल्यूएमसी को थ्री बिन सिस्टम कंटेनर्स मार्केट में ट्रेडर्स की डिमांड्स के मुताबिक लगाने की हिदायत कर दी है, जबकि चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि रूफ टॉप प्लांटेशन और ग्रीन फ्लेक्स लिफ्टिंग के दायरा कार दीगर मार्केट्स में भी फैलाया जाए। शुरू गुलबर्ग से कर रहे हैं, लेकिन तमाम ट्रेडर्स एसोसिएशन को दावत है कि स्मोक, बेहंगम बोर्ड्स और हार्टिकल्चर की कमी ने शहरी खूबसूरती को गहना दिया है। लाहौर के तमाम ट्रेडर्स कारोबारी मराकज को खूबसूरत बनाने के लिए तजावीज थे, अमली प्लान बनाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान।